राघव क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी, किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया और वो 20-25 लोगों ने मिलके मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स से? क्या नाम है आपका? राघव। आज अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में, उसको सभी पत्रकारों की तरह राघव त्रिवेदी जी भी कवर करने गए थे और कवर करते समय ये देखा कि कुछ महिलाएं उठ के जा रही है, तो उनसे कुछ सवाल पूछे आप उठ के क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया, उनको बताया गया कि प्रधान जी ने 100-100 रुपया दे के हमको बुलाया है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के छुड़वैये नेता लोग सुन लिए और फिर राघव त्रिवेदी को अलग से ले जाकर उनसे मोबाइल छीनने लगे, तो उन्होंने कहा मोबाइल में नहीं कैमरा में है, और फिर उनको बेतहाशा पीटा गया, घुसा उसके पेट में मारा गया। राघव त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं दाढ़ी रखा हूँ मेरे बाल हैं तो शायद मुझे दूसरे धर्म की समझ के उन्होंने पिटाई की, मेरा अपराध यही है कि मैंने दाढ़ी रखी थी। और उस समय वहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान वहाँ उपस्थित थे लेकिन बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो अमित शाह जी से सवाल यही है कि ये लोकतंत्र है, चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में पत्रकार आपके कार्यक्रम कवर करने गए और उसमें आपके कार्यकर्ता यदि पत्रकारों की पिटाई कर रहे हैं, चलते चुनाव में जब ये स्थिति है, तो जब चुनाव नहीं हो रहा है तब क्या स्थिति? वैसे भी आपके कार्यकाल में बहुत सारे पत्रकारों की जाने गई, परिवार तबाह हुआ है और मीडिया सवाल करे तो उसके लिए संदेश है कि यदि आप सवाल करेंगे तो फिर राघव त्रिवेदी जैसे आपको आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, आप हॉस्पिटल पहुंचोगे। सवाल का जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह जी ने आज रायबरेली में राहुल गांधी व गांधी परिवार से 5 सवाल पूछे जिनमें प्रमुख ये देखा गया है कि वो सुनो भैया, एक चीज अस्पताल